चलो गुड इवनिंग एवरी बोलो कल का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था क्या ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपने ट्राई किया बोलो यस yes, सेम था या अलग था कुछ कुछ अलग है बना आपसे सॉल्यूशन क्या आपसे सॉल्यूशन बना यस yes. वेरी गुड यार वेरी गुड वेरी गुड अच्छा नहीं बना होगा कई बच्चों ने तो ट्राई नहीं किया होगा मैडम इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब जरूर कुछ टेक्निकल होगा अगर इसका सॉल्यूशन करवाया ना मैंने इतना इजी रहेगा इंग्लिश का यूज किया मतलब समझ जाना बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है देर आर टू बुक शॉप दो बुक शॉप्स है आपके इधर चलो दो बुक शॉप है ओन बाय सुरेश एंड गणेश ओके देर सेल्स इन रूपीज फॉर द बुक्स इन द थ्री सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का सेल्स आपको दे दिया है फॉर टू मंथ्स जुलाई एंड ऑगस्ट आर गिवन बाय टू मटराइसेज ए एंड बी मतलब मटराइसेज ए क्या है कौन से महीने का सेल है जुलाई मंथ का सेल है मटराइज बी क्या है ऑगस्ट महीने का सेल है जुलाई मंथ सेल ये रहा ठीक है अगर इस पूरे को मैं कलर कर दूँ तो ये रहा तुम्हारा जुलाई मंथ का सेल ठीक है उसके बाद में ये रहा आपका अगस्त मंथ का सेल यहाँ तक तो क्वेश्चन आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही फिनिश हो गया है ही क्या इसमें अब क्या बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन सेल इन रुपीस फ्रॉम जुलाई टू अगस्त जुलाई से लेके अगस्त तक कितना सेल बढ़ा है ये बता दो इसका मतलब वो क्या करने बोल रहे हैं आपको इसका मतलब व्हाट दे आर आस्किंग बोल जरा फटाफट से क्या करोगे आप क्या करोगे ए माइनस बी करोगे या बी माइनस ए करोगे अरे जुलाई से अगस्त में कितना बढ़ा जुलाई से अगस्त में कितना बढ़ा सेल कितना बड़ा है क्या करोगे बी माइनस ए यस इन शॉर्ट ए माइनस बी को भी छोड़ दिया कितना बड़ा मतलब अगस्त माइनस जुलाई कर दोगे इन शॉर्ट जुलाई से अगस्त बोल रहा है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला यस और नो ये समझ में आया अगस्त माइनस जुलाई करेंगे तो अगस्त तो है आपका बी और जुलाई है आपका ए तो आप क्या करोगे सिंस अगस्त माइनस जुलाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए दैट एट डन एवरी वन क्लियर टल बोलो यहां तक क्लियर है एवरी वन ये कंसेप्ट समझा ओके okay. तो पहले अपन ये सॉल्व कर लेते हैं बी माइनस ए कर लेते हैं चलो आ जाओ पहले बी को लिख लो बी को लिख लो और ए को लिख लो माइनस करो फटाफट से इन्होंने कैसे किया अरे यार इन्होंने बहुत भयानक तरह से किया अपन अपना सॉल्यूशन करेंगे बी माइनस ए ठीक है प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिखोगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा मैडम इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा ये पूरा द इंक्रीज इन सेल्स इन रूपीज फ्रॉम जुलाई टू ऑगस्ट सेवेंटीन दैट इज ऑगस्ट सेल्स माइनस जुलाई सेल्स दैट इज बी माइनस ए मतलब ये यहां से पूरा लिखना है सॉल्यूशन ना ये इंक्रीज इन सेल्स से लिखना है या लिख देना टू फाइंड इंक्रीज इन सेल्स ऐसे लिख देना चलेगा ठीक है नाउ बी बी क्या दिया है? तुम्हें दिया है सिक्स सिक्स फाइव जीरो सेवन जीरो फाइव फाइव एट नाइन जीरो फाइव सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन ज़ीरो टू डबल ज़ीरो ये दिया है बी हो गया बी अब माइनस करना है आपको ए ए कितना दिया है पाँच हज़ार छः सौ सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो एट फाइव डबल ज़ीरो सिक्स सिक्स फाइव ज़ीरो सेवन ज़ीरो फाइव फाइव एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन करेक्टली कॉपी किया है या नहीं किया है पता चला वहीं पर मिस्टेक हो गई ठीक है ये यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं और थोड़ा अच्छे से लिख दूँ एट नाइन ज़ीरो फ़ाइव चलो एक बार चेक कर लो तो यार क्वेश्चन चेक करो सिक्स सिक्स फाइव जीरो लिट मी तो चेक विथ योर क्वेश्चन टेस्ट बुक सिक्स सिक्स फाइव जीरो सेवन जीरो फ़ाइव फाइव एट नाइन जीरो फ़ाइव सेवन थाउजेंड सेवन फाइव डबल जीरो वन टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स सेवन फाइव जीरो एट फाइव डबल ज़ीरो

हो जाएगा आपका सेवन थाउजेंड माइनस सिक्स सिक्स फाइव ज़ीरो इधर हो जाएगा सेवन जीरो फाइव फाइव माइनस सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो फटाफट से माइनस करो और बताओ मुझे व्हाट्स योर आंसर एवरी वन ऑफ यू फर्स्ट कॉलम बताना ए वन वन बताओ पहले एट नाइन ज़ीरो फाइव माइनस एट फाइव डबल ज़ीरो 10,200 माइनस 8905 ये स्टेप आएगा अब क्या करना है डायरेक्टली माइनस करना है और आंसर लिखना है दैट्स इट आप माइनस करोगे योर सॉल्यूशन विल बी कमिंग टू योर 1050 ठीक है थ्री ये आपका सॉल्यूशन आएगा प्लीज़ चेक इट आउट इतना आता है क्या 305 445 405 1295 फोर ज़ीरो फ़ाइव वन टू नाइन फाइव प्लस और माइनस होने के लिए सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना ज़रूरी है सेम ऑर्डर था मैट्रिक्स का इजीली प्लस माइनस कर दिया डन एवरी वन सिंपल था कुछ भी नहीं था यार देखो जितना टेक्निकल क्वेश्चन जितना उन्होंने बड़ा दिखाया है उतना ईजी है ये क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन बोलता है इफ़ बोथ द बुक शॉप्स गॉट टेन परसेंट प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट अच्छा दोनों को ही दस परसेंट प्रॉफिट हुआ है ठीक है फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ हर एक बुक सेलर के लिए आपको प्रॉफिट निकालनी है हर एक सब्जेक्ट का उस महीने का ओके okay. ठीक है तभी कैसे निकालोगे ये मिटा दूँ मैं ये कॉपी कर लिया तुमने इस सॉल्यूशंस ये मिटा रही हूँ मैं ठीक है चलो जी अब आप कैसे करोगे कैसे करोगे इन दैट मंथ बोला है राइट एक मिनट इन द मंथ प्रॉफिट कभी हुआ है प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त अगस्त महीने में बुक सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ है हर एक सब्जेक्ट में यह निकालना है कौन से मंथ में अगस्त में जुलाई में निकालना है क्या नहीं मतलब एक ही पार्ट करना है सिर्फ ये वाला पार्ट फिर बी वाले पार्ट का बात पूछा है क्यों मैडम बी क्यों अरे बी वाला ही तो है तुम्हारा अगस्त मंथ बी वाला ही तो अगस्त है तो अगस्त को ही लोगे ना अगस्त मंथ का ही तो पूछा ये देखो इफ बोथ बुक शॉप गॉट टेन परसेंट प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त दोनों को ही हुआ है अगस्त मंथ में ठीक है फाइन अब अगस्त मंथ में अपने पास में एक ही दिया है यही पार्ट है ये रहा देखो सुरेश बुक शॉप का ब्रो वाइज है और गणेश का सेकेंड रो दिया फर्स्ट रो क्या है सुरेश का है और सेकेंड रो क्या है गणेश का है डन कैसे निकालेंगे अभी हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे दस परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो एल से ये टेन परसेंट अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप लिखोगे क्या पहले टू फाइंड प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर ईच बुक सेलर मतलब कौन हुआ यहाँ पे गणेश और सुरेश ठीक है सुरेश एंड गणेश दोनों इन ईच सब्जेक्ट ऑफ इन दैट मंथ इन दैट मंथ के बदले लिख लो इन ऑगस्ट मंथ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ये लिख लेंगे फिर सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन भी नहीं गिवन क्या दिया था गिवन भी लिख लो ना गिवन भी तो है गिवन यहां लिख रही हूँ मैं ऊपर गिवन इफ बोध बुक शॉप्स पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बोध बुक शॉप्स कितना अर्न करते हैं वो गॉड टेन परसेंट प्रॉफिट गॉड प्रॉफिट टेन परसेंट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ये पूरा लिखोगे गिवन दे दिया टू फाइंड लिख लिया ठीक है आपने खुद से अपना प्रेजेंटेशन खुद बनाया है नाउ अब आपको क्या बोलना है सॉल्यूशन सोल्यूशन में लिखोगे प्रॉफिट कितना है टेन परसेंट टेन परसेंट मतलब टेन बाई हंड्रेड इस टेन बाई हंड्रेड को कैन आई राइट इट एज योर सुनो ना टेन परसेंट मतलब टेन बाई हंड्रेड है कैन आई राइट इट एज योर वन बाई टेन वन बाय टेन लिखूँ क्या अरे ये सर नो टेन परसेंट बोल रहे हैं ना तो एक एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा उसका ठीक है थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे तो ये कितना हो जाएगा वन बाय टेन ऑफ ऑफ क्या ये पूरा बी का पूरा यहाँ पे लिख दो सिक्स सिक्स फाइव जीरो सेवन जीरो फाइव फाइव एट नाइन जीरो फाइव सेवन थाउजेंड मतलब इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है पता है क्या इजीएस्ट सम है ये अब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? बस इसको टेन से डिवाइड करो कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ कितना आ जाएगा ये जीरो हट कट जाएगा सिक्स सिक्स फाइव ये कितना आ जाएगा सेवन जीरो फाइव पॉइंट फाइव ये कितना आ जाएगा एट नाइन्टी पॉइंट फाइव ये आ जाएगा सेवन हंड्रेड ये आ जाएगा सेवन फिफ्टी ये हो जाएगा आपका वन टू जीरो डन एवरी वन डन यार सिंपल तो था था ही क्या ये क्वेश्चन में यस सर नो यस समझा ओके तो गाइस वी आर फिनिश विद योर एक्सरसाइज 2.2 आल्सो ऑल्सो एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ योर एक्सरसाइज 2.3 जहां जहाँ पे एक कांसेप्ट है अच्छा आपको एकदम जनरल अपने लैंग्वेज में लैंग्वेजेस में मैंने बताना है पहले तो इनका कुछ भी भारी वाला काम नहीं लेना है रुको इससे करने से बेटर हाँ ठीक है चलो आ जाओ इसी से कर लो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज थ्री uh, नहीं सॉरी टू पॉइंट थ्री का ठीक है मल्टीप्लीकेशन <coughs> करना है क्या करना है अभी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है मल्टीप्लीकेशन करना है ना तो कुछ थोड़े से रूल्स है वो रूल्स फॉलो करने हैं मैडम कौन से रूल्स बताती हूँ आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है अगर आपको कोई भी दो मटराइसेस दिया है यू आर गिवन एनी टू मटराइसेज और आपको बोला है कि उसको मल्टीप्लाई करो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक यहां पे आपको मटराइज दिया है मल्टीप्लीकेशन के लिए अच्छा सुनो ना मटराइसिस को लिखो भी मत पहले रूल देख लो एक यहां पे मटराइस दिया एक यहाँ पे मटराइसिस दिया है इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा कभी पॉसिबल कब होगा इफ एंड ओनली इफ अब ध्यान से देखना जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया था टू बाय थ्री ठीक है और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया था मान लो थ्री बाय थ्री ओके नाउ ये समझ में आ रहा है क्या मतलब यहाँ पे दो रोज है और तीन कॉलम है यहाँ पे तीन रोज है और तीन कॉलम है ये समझ में आ रहा है अरे इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट रो रहता है इसका ये वाला से, जो से, टू बाई मतलब रोज बाय कॉलम ऐसा रहता है ना ये रोज है ये कॉलम है ये समझ में आ रहा है क्या यहां तक क्लियर है सब मेरे साथ में है मल्टीप्लीकेशन कभी पॉसिबल होगा तो एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना जब मल्टीप्लिकेशन कभी आपका पॉसिबल होगा बस एक सिंपल सा रूल आपने ध्यान रखना कि जब नंबर ऑफ कॉलम्स आपके नंबर ऑफ रो से इक्वल होगा वेन योर नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ रोज दैट्स इट सिंपल समझ में आ रहा है? तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा एक बार वापस से बोलूँ, वेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मेट्रिक्स विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकेंड मेट्रिक्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ठीक है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ओके okay, मैम यहाँ तक तो समझ गया लेकिन मल्टीप्लीकेशन करके तो बताओ ठीक है चलो ना अब आप इमेजिन करो कि आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रहे थे, यहाँ पे मान लो वन टू थ्री दिया है फोर वन टू दिया है ठीक है यहाँ पे भी कुछ मान लो वन टू थ्री टू वन टू वन 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 इस तरह के कुछ एलिमेंट दिए पॉसिबल कब है बोलो ना एक बार फटाफट से वेन नम ये वाला पार्ट ये लास्ट और इसका फर्स्ट पार्ट इसका सी इसका रो इसका कॉलम इसका रो सेम रहेगा तो पॉसिबल है ओके ये बात समझ में आ गई सभी को तो अभी मल्टीप्लीकेशन करके बताती हूँ मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं एक रो इसके फर्स्ट वाले के रो को उठाएंगे हम लोग फर्स्ट वाले के किसको उठाएंगे रो को और इसके कॉलम को अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे मैडम नहीं समझा अरे क्या बज गया रोज़ और कॉलम बजिया ना तो इसके रो इसके कॉलम को उठा के मल्टीप्लिकेशन कर डालो ठीक है दो शॉर्टकट बताए एक नॉर्मली बता रही हूँ कि नंबर पहले रो को एक रो को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम फिर फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे चलो आ जाओ एक बार मैं आपको करके बताती हूँ तो आपको और अच्छी तरह से समझेगा ठीक है इसको ओरली नहीं करेंगे ये दिख रहा है वन टू थ्री फर्स्ट रो के एलिमेंट बताना मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट बताना वन इंटू वन वन प्लस टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन ये समझ में आया अब वापस है फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन मतलब टू वन जा टू प्लस टू वन सा टू प्लस थ्री टू सिक्स ये समझा ध्यान से दे देखो क्या किया है वन इंटू टू टू इंटू वन एंड थ्री इंटू दिस टू समझा ये य पार्ट नाउ वापस से फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम को यहाँ पे क्या रहेगा वन प्लस टू प्लस थ्री क्योंकि वन 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 है ठीक है नाउ फर्स्ट फर्स्ट रो का आपने पूरा किस्सा कंप्लीट कर लिया नाओ सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो ठीक जैसे तुमने किया था अभी क्या किया तुमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को पहले फर्स्ट कॉलम से किया फिर सेकेंड कॉलम से किया फिर थर्ड कॉलम से किया ठीक उसी तरह से सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करो ठीक है कितना आ जाएगा फोर वन जा फोर प्लस टू प्लस टू थ्री जा सिक्स ये समझा ओके okay. नाउ फोर टू जट वन प्लस फोर और ये कितना आ जाएगा फोर प्लस वन प्लस टू अब सिर्फ इनके एडिशन कर लो यू विल गेट योर सॉल्यूशन अच्छा ये क्वेश्चन मैंने मन से लिया ठीक है तो अभी तो यहाँ पे आंसर मैचिंग का कोई सवाल नहीं होता ये हो जाएगा आपका फोर्टीन ये कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व ये और ये फाइव सिक्स सेवन गॉट इट एवरी वन यो डन कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है वो समझा <coughs> पहले क्या बताया मैंने आपको वापस से थोड़ा सा रूल्स लिख ले क्या लिखो पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब है जब ये इस तरह से कर लो इसका मतलब क्या हुआ इधर का कॉलम और इधर का रोज इक्वल होना मांगता वेन थ्री इज इक्वल टू थ्री वेन कॉलम इज इक्वल टू रोज ठीक है ऐसे लिख दू मैं समझ में आएगा अपने ओन लैंग्वेज में अपने अपने वर्ड्स पे शॉर्टकट बनाया पूरा लंबा चौड़ा ना लिखते हुए कॉलम इज इक्वल टू रो है अगर तो इसका मतलब क्या है और ये फर्स्ट मैट्रिक्स था ऑब्वियसली ये सेकंड मैट्रिक्स था ऑब्वियसली डन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ठीक है अच्छा उसके बाद स्टेप क्या है रो को उठा के एक रो को उठा के मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स करेंगे फिर से फर्स्ट रो को आपने जितने नंबर ऑफ कॉलम्स गूगल के चालू हो गया फर्स्ट रो को लेके आपने क्या किया नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को लेके फिर सेकेंड रो को लेके आपने क्या किया फिर वापस से कॉलम से मल्टीप्लाई किया समझ में आया तो कितना कौन सा मैट्रिक्स बनेगा आपका आपका मैट्रिक्स कौन सा बनेगा टू बाय थ्री

ठीक है करो फटाफट क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करना है तो आप क्या देखोगे ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इतना बताना मुझे लिख लेते हैं चलो थ्री टू वन इसका ऑर्डर क्या है पहले क्या लिखते हो रोज लिखते हो फिर क्या लिखते हो कॉलम लिखते हो तो थ्री इन वन और अब यहाँ पे क्या बोलते हैं टू माइनस फोर थ्री इसका ऑर्डर क्या है एक ही रो है और तीन कॉलम है डन मुझे बताओ क्या ये दोनों पार्ट सेम है क्या कॉलम इज इक्वल टू रोज है यस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है यस मल्टीप्लीकेशन करो कैसे करोगे एक एक रो को पकड़ेंगे और पर्टिकुलर कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स इट ठीक है ओके okay. तो थ्री टू जै क्या हो जाएगा सिक्स ये हो गया फर्स्ट कॉलम खत्म फिर थ्री को सेकेंड कॉलम से कितना हो गया थ्री फोर द ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व सेकेंड कॉलम खत्म थ्री थ्री जा नाइन थर्ड कॉलम खत्म फर्स्ट रो का पूरा किस्सा तुमने खत्म कर दिया अब सेकेंड रो टू टू जाओ फोर फोर टू जाओ माइनस एट ठीक है और इधर टू थ्री जाओ सिक्स नाउ वन टू माइनस फोर थ्री डन एवरी वन अच्छा मेट कौन सा मेटराइस बनेगा थ्री बाय थ्री कौन सा मेटराइसिस बनेगा थ्री बाय थ्री मेटराइस बनेगा क्लियर है एवरी वन ऑफ यू देख लो आंसर चेक कर लो एक बार सिक्स फोर टू माइनस ट्वेल्व माइनस एट माइनस फोर नाइन सिक्स थ्री यार मल्टीप्लीकेशन आ गया अपन को भी ठीक है ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आप खुद करोगे सिंपल सिंपल पार्ट है दिस आई बी गिविंग होमवर्क ठीक है चलो अब स्टेट वेदर ए बी इन टू बी ए जस्टिफाई योर आंसर ओके करो ए बी करो ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे ये कैसे करोगे मैडम एक काम करो ना अभी अभी आपने मल्टीप्लीकेशन सिखाई ये सेकेंड वाला पार्ट भी बता दो ना हम लोग पक्का होमवर्क करेंगे बट प्लीज़ प्लीज़ आपको सच में मल्टीप्लीकेशन में कोई डाउट आ रहा है क्या ऐसा लग रहा है तुम्हें नहीं बनेगा तो चलो आ जाओ दो मिनट का काम है वो कुछ भी दिक्कत नहीं है सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ ये कितना है टू माइनस वन थ्री है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना रोज़ कितने वन रोज़ है और कितने कॉलम हैं और यहाँ पे कितना है फोर थ्री वन दिया है ठीक है कितने रोज है तीन और कितने कॉलम है वन क्या कॉलम इक्वल टू रोज है हाँ जी मैडम क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिल्कुल तो एक रो को पकड़ेंगे पूरे रो को पकड़ेंगे और हर एक कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे एक ही रो है एक ही कॉलम है यहाँ पे मेट्राइसेस कौन सा आएगा वन बाय वन मेट्रिक्स आएगा वन बाय वन समझो इसलिए क्वेश्चन करवा रही हूँ मुझे ध्यान में आया सॉल्यूशन देखे कि यार यहाँ पे तुम लोग फंसोगे सोल्यूशन तो क्या वन बाय वन चलो आर्य कैसे सॉल्व किया है इस रो को टू इंटू फोर टू इंटू फोर प्लस माइनस वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन ये हो गया तुम्हारा एक कंप्लीट अब अगर दूसरा कॉलम होता था तो मैंने इसी रो से इसी रो से मैंने सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया होता था अरे यस सर नो तो वो यहां आता था अगर थर्ड कॉलम होता था तो इसी रो को मैंने वापस आपके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया था तो वो यहाँ आता था बट यहाँ पे एक ही कॉलम है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है समझ में आया यस सर नो बोलो ना फटाफट -पट से तो कितना रहेगा सिक्स माइनस थ्री सिक्स अरे सॉरी सिक्स कैसे यार प्लस नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन करना है फोर टू द एट माइनस थ्री प्लस थ्री तो सॉल्यूशन विल बी योर एट डन एवरी वन क्लियर विथ द कंसेप्ट यस कंसेप्ट क्लियर हुआ बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है मैट्राइसेस ठीक है ओके okay. अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे यार चलो एक भी होमवर्क नहीं दिया अभी ये तक हाँ एक भी होमवर्क नहीं दिया है हाँ बोलो इफ़ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू एट वेदर ए इन टू बी इज इक्वल टू बी इन टू ए तो फर्क पड़ता है क्या ए इंटू बी और बी इन ए करने से करके देखो ना खुद आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन करना दिखाया ए इन बी कैसे करोगे आप दोनों मैट्रिसेस पहले ए लिखोगे फिर बी लिखोगे इसका ऑर्डर देखोगे इसका ऑर्डर है थ्री बाय थ्री इसका ऑर्डर है थ्री बाय थ्री क्या कॉलम इज इक्वल टू रोज है हाँ जी है क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है हाँ जी है और कौन सा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा थ्री बाय थ्री आएगा तो उसी हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करना यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना थ्री बाय थ्री मटराइसेस ठीक है ये हो जाएगा आपका ए बी अब बाद में पहले बी लिखोगे फिर ए लिखोगे फिर वापस से देखोगे थ्री बाय थ्री मटराइसेस थ्री बाय थ्री मट्राइसेस है क्या कॉलम इक्वल टू रो है हाँ जी है अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा सोल्यूशन जो रिमेनिंग पार्ट है एक एक रो को इस एक एक कॉलम से एक एक रो को एक एक कॉलम से एक एक रो को एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो दोनों सॉल्यूशन चेक करो अगर दोनों सेम आते हैं तो आप बोलोगे ए बी इज इक्वल टू बी ए सिंपल सी बात है ठीक है चलो ये पार्ट तो होमवर्क करेंगे इसमें तो कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है यार थ्री बाय थ्री मट ट्राइ से कोई कन्फ्यूजन का सवाल नहीं है ये होमवर्क करेंगे एवरी वन ऑफ यू यस करना पड़ता ठीक है ओके ये भी वही वाला क्वेश्चन है शो दैट ए बी यू कल डू बी ए करो नहीं बनेगा तो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाना है ठीक है ये वाला छोड़ दो ये दो ही करो पहले आप ठीक है ओके तो गाइस वी विल स्टॉप टेल हियर इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए अलविदा यस बाय बाय एवरीवन टेक केयर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करो सेम टाइप के क्वेश्चन हैं ठीक है बाय बाय